वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास स्टैंडर्ड 4 वर्कशीट फ्रॉम मार्केट टू होम. क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन, वेजिटेबल सेलर्स बिगेन देयर वर्क इन द मॉर्निंग एट ब्लैंक. तो इसमें क्या आंसर आएगा? 3 o'clock, 6 o'clock या 8 o'clock. तो जैसे मैं चैप्टर में पढ़ा तो देखे सुबह सुबह 3 बजे स्टार्ट कर देते हैं, तो आंसर आएगा ए, 3 o'clock. सेकंड, छोटे हेल्प्स हिज फादर एंड अटेंड स्कूल इन द ब्लैंक. जो उसका छोटा भाई है वो उसके फादर की हेल्प करता है अटेंड स्कूल, उसके बाद तो कौन से टाइम पे करता है? मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग? तो आंसर आएगा बी, आफ्टरनून. आफ्टरनून में वो स्कूल के बाद जाता है हेल्प करने. थर्ड वन, इन द मार्केट वेजिटेबल्स आर अरेंज ऑन द ब्लैंक. मार्केट वेजिटेबल जो अरेंज होता है वो किस पे होता है? सब्जियां. तो ऑप्शन है ए, ट्रक पे, बी, टेम्पो या सी, हैंडकार्ट. तो वेजिटेबल अरेंज होता है हैंडकार्ट पे, तो आंसर आएगा सी, हैंडकार्ट. फोर्थ वन, वी गेट वेजिटेबल्स फॉर अवर होम फ्रॉम दी ब्लैंक. जो हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं घर के लिए वो कहां से आते हैं? तो फील्ड से आते हैं, मंडी से या गार्डन से? तो आंसर विल कम मंडी, जहां पे सारी सब्जियां होती है. फिफ्थ वन, विच ऑफ दोस गेट्स स्पॉइल अर्लियर. इसमें से कौन सी सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती है? ऑनियन, पोटेटो या स्पिनच? तो स्पिनच वो जल्दी खराब हो जाती है, तो उसमें पानी रहता है इसके लिए, क्योंकि और ये दो हार्ड आती है, तो उसके लिए स्पिनच आएगा, ऑप्शन सी. सिक्स वन, व्हाई वेजिटेबल सेलर्स स्प्रिंकल वाटर ऑन वेजिटेबल्स. मतलब वो जो वेजिटेबल्स उस पर पानी की छिड़कते रहते हैं, तो ऑप्शन टू कीप देमसेल्फ बिजी, टू अवॉइड मॉस्किटोस या सी, टू प्रिवेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम ड्राइंग अप. तो आंसर आएगा टू प्रिवेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम ड्राइंग अप, मतलब वो सूख ना जाए इसके लिए वो पानी छिड़कते रहते हैं. क्वेश्चन बी, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, वेजिटेबल सेलर्स ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द ब्लैंक. तो वेजिटेबल सेलर्स वो फ्रेश वेजिटेबल कहां से लाते हैं? तो वो मंडी से लाते हैं, जहां सारी सब्जियां मिलती है तो वो मंडी से लाते हैं. सेकंड वन, ब्लैंक इज यूज टू गो टू दी मंडी. तो वो मंडी में वेजिटेबल्स जो आती है वो कहां से, किस में लाते हैं? वो टेम्पो में लाते हैं, तो सेकंड में आएगा आंसर टेम्पो. थर्ड वन, ब्लैंक इज स्प्रिंकल्ड ऑन वेजिटेबल्स टू कीप देम फ्रेश. तो क्या छिड़कते हैं वेजिटेबल पे? तो वो पानी छिड़कते हैं, तो आंसर आएगा वॉटर. सी, ट्रू ऑफ फॉल्स. फर्स्ट वन, द फ्रेश वेजिटेबल्स आर कैरी टू द मार्केट फर्स्ट एंड देन सॉर्टेड आउट. तो फ्रेश वेजिटेबल मार्केट में लेके जाने के बाद वो सॉर्ट आउट करते, यानी अलग करते? नहीं, उसके पहले करते, तो इसमें आएगा रॉन्ग, फॉल्स आएगा. सेकंड वन, वेजिटेबल सेलर्स वर्क बिगिंस एट 10 o'clock. वेजिटेबल सेलर्स वर्क जो होता है वो 10 o'clock शुरू करते, नहीं वो 3 बजे करते, 3 o'clock, तो इसमें भी आएगा फॉल्स. थर्ड वन, एट द मार्केट द प्रीवियसली वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. तो मार्केट में जो प्रीवियस डे का वेजिटेबल होता है वो फर्स्ट सोल्ड आउट करते हैं, तो यस वो पहले सोल्ड आउट करते हैं जिससे वो बिगड़ ना जाए, तो इसमें आएगा ट्रू. फोर्थ वन, वंस द फ्रेश वेजिटेबल्स अराइव द हाउस लुक्स लाइक ए वेजिटेबल्स मार्केट. तो जब फ्रेश वेजिटेबल्स अराइव होता है तो हमारा घर भी वेजिटेबल की तरह ही दिखता है. तो हाँ, वेजिटेबल मार्केट, क्योंकि सारी हमारे घर में भी सब्जियां होती है, इसकी वजह से वो भी वैसा ही दिखते हैं हमारा घर, तो इसमें आएगा ट्रू. फिफ्थ वन, इट इज नेसेसरी डेट फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर. तो ये जरूरी है कि फैमिली मेंबर्स इस टाइम पे वो मदद करें, दूसरे को हेल्प करें, तो यस वो सही बात है, तो इसमें आएगा ट्रू. नाउ क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. शॉर्ट में, फर्स्ट वन, व्हाई द प्रीवियस डे वेजिटेबल सोल्ड फर्स्ट. तो प्रीवियस डे के वेजिटेबल वो सोल्ड क्यों फर्स्ट करते हैं? तो आंसर आएगा द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड सून. तो प्रीवियस डे की जो वेजिटेबल होती है अगले दिन की, वो पहले सोल्ड करते हैं क्योंकि वो जल्दी बिगड़ जाती है. सेकंड, व्हाई डू द वेजिटेबल सेलर्स नीड अ टेम्पो. वेजिटेबल जो सब्जी बेचने वाले उसको क्यों टेम्पो की जरूरत पड़ती है? तो आंसर है कि एज द वेजिटेबल सेलर्स हैव टू ब्रिंग डिफरेंट वेजिटेबल इन मोर क्वांटिटी, दे नीड अ टेम्पो टू बाय वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट टू होम. तो वेजिटेबल सेलर्स को डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स लानी पड़ती है ज्यादा क्वांटिटी में, तो दे नीड अ टेम्पो टू बाय वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट टू होम. तो इसलिए वो टेम्पो में जो जिसको उनको 200 केजी या 100 केजी जितने भी लाना है वो भर के उसमें टेम्पो में ला सकता है. नाउ क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लॉन्ग. फर्स्ट वन, द वेजिटेबल सेलर्स ट्राइज टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल. वाई? कि वो जल्दी वेजिटेबल सेलर चाहता है कि वो मार्केट में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. आंसर आएगा द वेजिटेबल सेलर ट्राइज टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज इफ ही गेट्स लेट देन देम हिज रेगुलर कस्टमर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम सम अदर वेजिटेबल सेलर. तो अगर वो जल्दी नहीं पहुंचेगा तो उसके जो बायर्स है उनसे जो सब्जियां लेते हैं वो दूसरे मतलब दूसरे जो वेजिटेबल सेलर उनसे ले लेंगे, तो वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंच जाऊं. सेकंड,
Why is it necessary to sprinkle water on vegetables? Why do vegetable sellers keep doing it? In which weather is it done more often? तो जो क्यों necessary है कि उसपे पानी छिड़कना, ठीक है ना, ये क्यों करता रहता है और कौन से weather में ज्यादा करना पड़ता है, उसमें point है. First one, to keep the vegetable fresh, it is necessary to sprinkle water. तो वेजिटेबल को फ्रेश रखने के लिए आपने भी देखा होगा कि वो पानी छिड़कते रहते हैं. सेकंड, एज द वेजिटेबल्स डस नॉट ड्राई ऑफ द सेलर्स कीप्स डूइंग इट. तो उसके जो वेजिटेबल है वो ड्राई ना हो जाए, सूखे ना हो जाए, तो वो ये करते रहते हैं. थर्ड वन, इन समर द वेदर इज ड्राई एंड हॉट, इट इज डन मोर ऑफन. तो समर की सीजन में आपको मालूम होगा गर्मी के कारण वो सूख जल्दी जाते हैं, तो उस टाइम पे उनको ये पानी छिड़कने का काम बहुत बार बार करना पड़ता है, जिससे वो उनके जो वेजिटेबल है वो बिगड़ ना जाए. ओके, तो राइट दिस ईवीएस इन योर ईवीएस नोटबुक. ओके एंड गो थ्रू. ओके, थैंक यू.